नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हो, कल एचपी क्लर्क पोस्ट कोड 962 का रिटर्न टेस्ट है। अब बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे होंगे, तो रिटर्न टेस्ट से पहले आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे ही आपका एग्ज़ाम कल होगा उसके एक या दो दिन बाद ऑफिशियली आंसर की भी बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, तो हर एक चीज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अपने चैनल से जुड़े रहना है। अब देखिए यहाँ पर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, आपको एक घंटे पहले वहाँ पर पहुँचना होगा। दूसरी बात, अगर एडमिट कार्ड में कोई गलती है तो आपने तुरंत हमीरपुर बोर्ड को कॉन्टैक्ट करना है। अब किसी भी कैंडिडेट को एग्ज़ाम शुरू होने के 15 मिनट पहले एंट्री नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर यह बात कहा गया है कि अगर एडमिट कार्ड आपके पास नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर मान लीजिए एडमिट कार्ड ही डाउनलोड ना होए तो आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपके जो सीरियल नंबर मैच होना चाहिए क्वेश्चन बुकलेट और आंसर शीट का, ठीक है। अब यहाँ पर इस लाइन की अगर बात की जाए, अगर आपके जो एडमिट कार्ड में या फिर किसी भी जो चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है उसमें आपकी डिटेल मिसमैच हो रही है, तो उसके लिए आपने वहाँ पर जो सेंटर सुपरिटेंडेंट से आपने रेक्टिफिकेशन इसकी करवानी है। अब यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट्स को अपनी कैटेगरी और सब कैटेगरी वहाँ पर इंश्योर कर देनी चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी और सब कैटेगरी अगर गलत दिखाई गई है तो उस चीज़ के लिए भी आपने हमीरपुर बोर्ड या फिर जो वहाँ पर सुपरिटेंडेंट होंगे उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी कैंडिडेट को एग्जामिनेशन हॉल से जो टाइम आपका दिया होता है एग्ज़ाम का, उससे पहले आपको जाने नहीं दिया जाएगा। फिर यहाँ पर यह बताया जाएगा कि आपने जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपने ब्लैक या ब्लू पेन ही अपने साथ ले जानी है। अब यहाँ पर बात करेंगे, अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड ना हुए तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है, और अगर एडमिट कार्ड पर अगर आपका इमेज वहाँ पर नहीं आ रहा, अगर इमेज और सिग्नेचर नहीं आ रहे तो आपने क्या करना है। देखिए, अगर सिग्नेचर ना आए तो उसकी उतनी दिक्कत नहीं होती, अगर आपकी इमेज वहाँ पर ना आए तो आपने क्या करना है कि किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, जो भी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे आपने अपनी उसमें इमेज अपलोड करने की कोशिश करनी है, अगर पॉसिबल हो। नहीं तो आपने दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने साथ ले जाने हैं और एक वैलिड आईडी प्रूफ आपने अपने साथ ले जाना है। दूसरी यहाँ पर फाइनल इन्फॉर्मेशन में ये कहा गया है कि किसी भी बच्चे के पास कैलकुलेटर, लॉग टेबल, कैलकुलेटिंग डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, स्लाइड रूल्स, ज्योमेट्री बॉक्स एंड टेक्सचुअल मटेरियल एक्सेट्रा आर नॉट अलाउडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो ये सब चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। बाकी जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा उसके एक या दो दिन बाद ऑफिशियली अपडेट आ जाता है हमीरपुर बोर्ड के द्वारा, जिसमें ऑफिशियली आंसर किया जाती है। उससे पहले भी हम आपको आंसर की देने की कोशिश करेंगे। बाकी जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होगा तो पता लगेगा कि जो एग्ज़ाम का लेवल था वो किस लेवल का है, वो कितना टफ आया था। फिर एक सर्वे किया जाएगा जिससे कट ऑफ का यहाँ पर अनुमान लगाया जाए। तो चैनल से आपने जुड़े रहना है, यहाँ पर काफ़ी सही चीज़ें आपको मिलने वाली है। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कोई और अपडेट इस भर्ती के रिगार्डिंग आता है।